दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डेबिट नोट के बारे में, यानी कि हमारी कंपनी के द्वारा डेबिट नोट किस कंडीशन में इश्यू किया जाता है और किस कंडीशन में डेबिट नोट हमें रिसीव होता है, यानी कि किस कंडीशन में हमें मिलता है और किस कंडीशन में हम अपने बायर्स को यानी कि हमारे कस्टमर को देते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्रेडिट नोट के बारे में भी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने डिस्कस किया था भी हमारी कंपनी के द्वारा क्रेडिट नोट किस कंडीशन में इशू किया जाता है और हमारी कंपनी को क्रेडिट नोट किस कंडीशन में रिसीव होता है। तो ये सारा कुछ हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में क्रेडिट नोट के बारे में। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको अवेलेबल है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें तभी आप डेबिट नोट की कहानी को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और आज जो हम डेबिट नोट के बारे में डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर हम वाउचर के साथ, जर्नल एंट्री के साथ और पूरा लेजर ट्रीटमेंट के साथ इसको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं भी इसका इफेक्ट हमारी तरफ से कहाँ कहाँ पड़ता है। तो सब कुछ आपके सामने लाइव और प्रैक्टिकली रहने वाला है, तो वीडियो का पूरा एंड तक देखिए तभी आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। डेबिट नोट का जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलता है सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप से रिलेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करा करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं भी डेबिट नोट इश्यू करने के रीज़न क्या रहते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न अगेंस्ट परचेज रिटर्न के, दूसरा अगेंस्ट एडजस्टमेंट के और तीसरा अगेंस्ट प्राइस डिफरेंस के, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डेबिट नोट रिसीव की कंडीशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर पे। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से वाउचर टैक्स इनवॉइस है, ये हमने एक वाउचर तैयार किया, यानी कि हमने एक्स वाई ट्रेडर्स को ये प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं और इन सभी की वैल्यू है टोटल इनवॉइस की वो बन गई 6,800 रुपये की, यानी कि 6,800 रुपये का हमने ये जो प्रोडक्ट है कस्टमर को सेल कर दिया। अब इसी के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप की हमारी सेल है, 5% की भी प्रोडक्ट है, 12 का भी है और 18% का भी, अलग अलग टाइप की परसेंटेज की सेल है। तो ये तो था एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस जो हम सेल की कंडीशन में करते हैं। उसके बाद बात आएगी भी हम डेबिट नोट कब इशू करेंगे। तो पहला डेबिट नोट हमारा आ गया, ये हमने एक्स वाई जेड ट्रेडर्स को किया हुआ है 100 रुपीज़ का। तो इसमें आप देख सकते हो भी हमने ये जो 100 रुपीज़ का जो डेबिट नोट इशू किया उसका रीज़न क्या लिखा हमने, ट्रांसपोर्ट चार्ज, और नरेशन में क्या दिए भी फ्रेट जो पेड है वो बायर्स ही पेड करेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब जैसा कि हमने इस कस्टमर को इस ये टैक्स इनवॉइस इशू किया था और ये जो हमने प्रोडक्ट को जो सेल किया था, जो इस गुड्स की हमने डिलीवरी कस्टमर तक की जो पहुँचाई थी उसका जो फ्रेट यानी कि उसका जो किराया लगता है वो बायर्स का लगना था भी। अगर हम इसका जो इनवॉइस है, इसका जो 100 रुपये का फ्रेट चार्ज है वो इसी इनवॉइस के अंदर अगर हम ऐड करके भेज देते, मान लीजिए जैसे कि हम 100 रुपये यहाँ पर ऐड कर देते इसको, तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता, मान लीजिए हम एक बार यहाँ ऐड करते हैं रकम को, तो ये अमाउंट इनवॉइस की वैल्यू कितनी बन जाती, 6,900 की। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो 6,900 रुपये आ ही जाना था, उसके अंदर ये हमारा 100 रुपये का फ्रेट भी इंक्लूड था, लेकिन हमने इस फ्रेट को, इस ट्रांसपोर्ट चार्ज को इस इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं किया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से डेबिट नोट इशू कर दिया। अब इस कंडीशन के अंदर इसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इस टैक्स इनवॉइस की जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो टैक्स इनवॉइस की जो जनरल एंट्री हमारी बनती है वो हम क्या करते हैं, जिस कस्टमर को हमने प्रोडक्ट सेल किए वो वैल्यू हम उस बायर्स के खाते में डेबिट करते हैं और उसके बाद में जितनी हमारी सेल और जो टैक्स की अमाउंट है उन सभी को हम करते हैं यहाँ पर क्रेडिट। तो ये हमारी सेल की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारी CGST और SGST टैक्स की वैल्यू है, ये क्रेडिट हो जाएगी। और उसके बाद में जो हमने 100 रुपये का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज का जो डेबिट नोट बनाया है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये अमाउंट भी एक्स वाई जेड ट्रेडर्स के अकाउंट में हम 100 रुपीज़ को डेबिट करेंगे और ट्रू ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम से क्रेडिट करेंगे। यानी कि अब ये ट्रांसपोर्ट चार्ज का जो एक्सपेंसेस है अब ये हमारी कंपनी के लिए एक तरीके का पेबल एक्सपेंसेस बन चुका है। अब ये ट्रांसपोर्ट चार्ज वाले को 100 रुपीज़ हमारी कंपनी के द्वारा पे किए जाएंगे और जो हमारी द्वारा पे किए जाएंगे तो वो हमने 100 रुपीज़ एक्स वाई जेड से ले लिए।
अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब हम पेड कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज जिस लेजर को हमने क्रेडिट किया है उस लेजर को वापस डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने भुगतान कर दिया, पैसा था किसका, एक्स वाई ट्रेडर्स का। तो ये हम एक्स वाई ट्रेडर से 6,800 रुपये की तो वैल्यू ये हो जाएगी, और ये 100 रुपये ये भी डेबिट हो गया, तो ये 6,900 रुपये अमाउंट बन जाएगी। उसके बाद में सेकंड जो डेबिट नोट हमने इशू किया वो है प्राइस डिफरेंस का। तो प्राइस डिफरेंस का मतलब क्या आ गया, अब इसके अंदर तो देखो हमने किसी टाइप का कोई जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं किया। अब यहाँ पर प्राइस डिफरेंस के अंदर क्या होता है, जीएसटी का ट्रीटमेंट साथ में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, अब इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अब एक कोई ऐसा प्रोडक्ट था जब हमने ये इशू किया था कस्टमर को, तो अब ये जो रेट था हमारा, अब ये 120 रुपये है इसी आइटम का, ये जो रेट है हमने टैक्स इनवॉइस के अंदर लगाया था 120 रुपये का, जबकि हमें लगाना कितना था 128 रुपये का, तो गलती से हमने 120 रुपये लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भी, इस टैक्स इनवॉइस के अंदर 8 रुपये पर पीस का हिसाब से हमने कम ले लिया। तो अब 8 रुपये के हिसाब से 30 पीस का क्रम कैलकुलेट करेंगे तो कितने बनेंगे, 240 रुपये। तो यानी कि ये 240 रुपये हमने कस्टमर से टैक्स इनवॉइस के हिसाब से कम ले लिए। तो अब ये 240 रुपये हम कस्टमर से और लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये प्राइस डिफरेंस का डेबिट नोट कस्टमर को इशू करेंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स वाई ट्रेडर्स को हम करेंगे 240 रुपये से डेबिट। तो अब क्रेडिट फिर किसको करेंगे, तो क्रेडिट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर ये पूरी एक्सप्लेन डिटेल जो लिखी जाती है भी, आपने जो डेबिट नोट इशू किया है वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में किया है। तो इनवॉइस का नंबर एक था, 25 अक्टूबर 2022 की डेट थी, ये उस प्रोडक्ट का HSN कोड है जिसका आपने रेट है जो कम लिया था, ये उसका टैक्स रेट कितना, 18% का। तो अब ये टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि 240 रुपये तो नेट अमाउंट है, तो इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू रहेगी हमारी 203 रुपये 39 पैसे, ये CGST का टैक्स और ये SGST का टैक्स। तो अब इसका मतलब क्या हो गया भी, अब ये 203 रुपये 39 पैसे से हमारी सेल की जो अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसके हिसाब से देखो, ये अगर इस इनवॉइस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो सेल की वैल्यू है वो 3050 रुपये 85 पैसे है, 85 पैसे हैं 18% की। तो अब ये वैल्यू इस 203 रुपये और 39 पैसे से अमाउंट और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी सेल की वैल्यू पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सेल बढ़ेगी, ये हमारे टैक्स की लायबिलिटी बढ़ने वाली है। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, तो इसकी जनरल एंट्री को हम क्या करेंगे भी, एक्स वाई जेड ट्रेडर्स को जो हमारा बायर्स है उसको अकाउंट में और ज़्यादा 240 रुपये को डेबिट करने वाले हैं, और उसके बाद में जो हमारी GST 18% का जो सेल है उसको हम करेंगे क्रेडिट, यानी कि प्राइस डिफरेंस का 203 रुपये से, और ये CGST टैक्स हमारा और ज़्यादा इंक्रीज होगा, SGST भी इंक्रीज होगा। लेजर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम अभी समझेंगे इसको। और तीसरा हमारा था डेबिट नोट, ये हमारा आ गया कैश पेमेंट वाउचर का डेबिट नोट, यानी कि ये किस कंडीशन में हम तैयार करते हैं, ये हमारी कंपनी का ही सेल्फ डेबिट नोट है, इसमें किसी हम बायर्स को या सप्लायर को एडजस्टमेंट नहीं करते, ये हमारी कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए डेबिट नोट बनाया जाता है। और ये किस कंडीशन में बनाया जाता है, यानी कि हमारी बिजनेस का ऐसा कोई भी खर्चा जो हमने खर्चा कर दिया हो लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे पास किसी भी टाइप का अभी कोई वाउचर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी का सेल्फ मेड डेबिट नोट तैयार करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है भी केस पेड टू किसको किया हुआ है, SS बुक सेलर को। किसके लिए किया हुआ है, नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर स्टेशनरी की, इसके अंदर हमने बॉल पेन वगैरह फाइल्स वगैरह ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं। तो अगर ये इस 105 रुपये की अमाउंट का ये SS बुक सेलर्स अगर हमें अपनी दुकान का अगर इन्वॉइस दे देता, कोई वाउचर दे देता, तो हमें ये डेबिट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास अब SS बुक सेलर की तरफ से कोई वाउचर उन्होंने दिया नहीं, तो हमारी कंपनी का तो खर्चा हो चुका है 105 रुपये, क्योंकि हमारी बिजनेस की 105 रुपये की कैश भी कम हुई है, तो उसका डिटेल भी हमें रखनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हमें ये डेबिट नोट तैयार करना पड़ता है ओनली खर्चों की रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें कोई GST का ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई बायर्स या कोई सप्लायर का अकाउंट है जो इफेक्ट नहीं होता, ये हमारा केवल एक्सपेंसेस का ही डिटेल है। अब उसके बाद हम चलते हैं, इसकी एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, अब इसमें हमारा SS बुक सेलर से कोई लेना देना नहीं है, इसकी सीधी सिंपल एंट्री होगी, हमारा स्टेशनरी अकाउंट है जो डेबिट रहने वाला है खर्चे का, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके लेजर पे चलते हैं, तो सबसे पहला लेजर हमारा जो बायर्स है, हमारा कस्टमर है XYZ ट्रेडर्स, उसका हमने बनाया। अब सबसे पहली रकम 6,800 रुपये की जो हमने टैक्स इनवॉइस बनाया उसकी वैल्यू आ गई, उसके बाद में ये जो 100 रुपये की अमाउंट है
ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट चार्ज उससे लेना था उसकी वैल्यू आ गई, और ये 240 रुपये जो हमारे इस इनवॉइस के अंदर 240 रुपये से कम ले लिए थे उसकी वैल्यू हमने और ऐड कर दी। तो अब इसके हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 7140 रुपये। तो हम इसको एक बार यहाँ पर नोट करते हैं, इसको फिर हम आपको दिखाते हैं 7140 रुपये। अब वापस चलते हैं उसी इनवॉइस पे। अब हमने क्या किया था, इस इनवॉइस के अंदर दो गलतियाँ करी थी हमने, एक तो इसके अंदर 100 रुपये का जो फ्रेट है ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ, दूसरा हमने यहाँ पर इसका जो रेट है वो 128 रुपये नहीं लगा, 120 लगा दिया। अब मान लीजिए सारी चीज़ें अगर हम यहीं कर देते हैं, हम 128 रुपये कर देते हैं, तो अमाउंट टोटल इनवॉइस की कितनी बन जाएगी यहाँ पर, 7140 रुपये। और बननी कितनी चाहिए थी, लेज़र के ऊपर हम चलेंगे तो 7140 रुपये ही बननी चाहिए थी। तो अगर ये सारा कुछ अगर हम इसी इनवॉइस के अंदर ही मेंशन कर देते तो हमें ये न तो 100 रुपये का अलग से कोई डेबिट नोट बनाना पड़ता और न ये 240 रुपये वाला अलग से कोई डेबिट नोट प्राइस डिफरेंस का बनाना पड़ता, तो हमारी जो सेल है वो यहीं पे ही ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती। तो अब ये किस कंडीशन में बनाया जाता है, अभी अगर आपने सेल इनवॉइस इशू कर दिए हो लेकिन आपने कुछ ऐसी डिटेल है जो आपने वहाँ पर मेंशन करने से आपसे रह गई हो, तो उसके बाद में अगर हमने पैसा उसे और लेना है बायर से, तो इस कंडीशन के अंदर हम डेबिट नोट बनाते हैं। तो अब ये जो सिंपल डेबिट नोट हमने बनाया, अगर किसी टाइप की कोई अनलोडिंग लोडिंग चार्ज अगर आपकी तरफ से पे किया हुआ है लेकिन करना बायर को था तो भी हम डेबिट नोट इशू करेंगे, या इसी टाइप का कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या ऐसा और कोई भी एक्सपेंसेस जिसका भुगतान आपने किया है लेकिन करना था कस्टमर को, तो वो आप पैसा उससे ले सकते हो, उसके अकाउंट में आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए हमें डेबिट नोट इशू करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जीएसटी 5% सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 12% पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अब इफेक्ट पड़ेगा वो जीएसटी 18% की सेल पे पड़ेगा। अब वो क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारे टैक्स इनवॉइस के हिसाब से हमारी जो सेल है वो 3,050.85 की है, और उसके बाद में हमारी 203.39 जो 8 रुपये का डिफरेंस था वो भी हमारी सेल का ही पार्ट है, तो हमारा सेल में ऐड होगा। तो अब ये हमारी जो टोटल सेल है वो 3,254.24 की है। अगर अब हम देख सकते हैं अभी 3,254.24 की हमारी टोटल सेल है 18% की। अगर यही हम इस इनवॉइस के अंदर ही 128 रुपये लगा देते तो हमारी सेल कितनी होनी थी यहाँ पर 18% की, 3,254.24। तो वो सेल हमारी पहले कम थी तो बाद में हमने सेल को और ज़्यादा पूरा कर दिया। तो अब हमें अगर ये करते तो हमें डेबिट नोट इशू करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमारा अमाउंट वैसे ही यहाँ पर 3,254 हो जाता। तो अब हमारा जो टैक्स का अमाउंट है तो सेम वही इफेक्ट हमारा टैक्स के अमाउंट पे भी पड़ेगा, तो 416.24 तो हमारा सेल इनवॉइस के आधार पे हो गया, और उसके बाद के अंदर जो हमारा सीजीएसटी वो एसजीएसटी जो डिफरेंस का जो हमने लिया था वो भी इंक्रीज होगा, तो टोटल 434.55 टैक्स हमारा अब पेबल में आ रहा है। अगर वो चीज़ पूरा हम यहीं कर देते 128 रुपये अगर हम इसको कर देते तो ये हमारे जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इसी इनवॉइस के अंदर ही 434.55 बन जाती, तो हमें अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो डिफरेंस है, अब हमें को तीन रीज़न पता चल गया भी, पहला रीज़न अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करनी हो उसके लिए, दूसरा डेबिट नोट प्राइस डिफरेंस करने के लिए, और तीसरा अगर हमारी कंपनी की तरफ से कोई एक्सपेंसेस की डिटेल होती है उसको वेरीफाई करने के लिए डेबिट नोट हमारे द्वारा इशू किया जाता है। अब मेन पॉइंट था तो बिल रिसीव कब होगा, तो रिसीव हमें होगा अगेंस्ट सेल रिटर्न के। मान लीजिए हमने कस्टमर को जो गुड्स सेल किया है तो वो अगर हमें वापस करेगा तो वो हमें डेबिट नोट इशू करेगा, तो हमारे लिए डेबिट नोट भी रिसीव बन जाएगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने कोई कस्टमर से कोई चार्ज ज़्यादा कर लिया हो, अभी जैसे कम किया था तो हमने डेबिट नोट किया था, अगर कोई ज़्यादा कर लिया हो तो उसके अगेंस्ट में हमें भी डेबिट नोट रिसीव करना पड़ेगा। बायर समय क्रेडिट नोट इशू करेगा तो हमारे लिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट है जो रिसीव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर वैसे तो हमारी ये डिटेल्स है ये सारी की सारी पावर होती है सेलर के पास में, तो बायर्स केवल आपको ये रिकॉर्ड के लिए दे सकता है, लेकिन रियल वाउचर जो आपकी तरफ से जो इशू किया जाएगा वो ही माना जाएगा, क्योंकि आपकी GSTR 2 का डाटा सिमिलर पार्टी के GSTR 1 के अंदर है जो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ही आपका GSTR 1 का पार्टी का GSTR 2 का, अगर आपका 2 का है तो वहाँ का 1 का डाटा रिफ्लेक्ट होता है GST के रिटर्न में, तभी का आप प्रॉपर सही तरीके से GST का ट्रीटमेंट को हम ITC को एडजस्ट जो कर पाते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमारे जरूर आप कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आगे और भी आपको मिलती रहेगी।